हेलो फ्रेंड्स, मिनी किचन में एक और रेसिपी के साथ आपका स्वागत है। आज हम मार्केट जैसी समोसे बनाने वाले हैं। इसे हमारे झारखंड में सिंघाड़ा भी कहते हैं। समोसे के साथ हम सरसों की चटनी बनाएंगे। इन दोनों का कॉम्बिनेशन एकदम लाजवाब है। तो चलिए सबसे पहले सरसों की चटनी बनाते हैं। इसके लिए 4 बड़े चम्मच पीले सरसों लेंगे। पीले सरसों से चटनी का स्वाद बहुत बढ़िया आता है। साथ में 1 चम्मच काली सरसों भी लेंगे, 4 लहसुन की कलियां, 1 इंच अदरक का टुकड़ा और 4 हरी मिर्च लेंगे। आप अपने स्वाद के अनुसार कम या ज्यादा कर सकते हैं। अब इसमें पानी डालकर इसका पेस्ट तैयार करेंगे। देखिए, मैंने इसमें जरूरत के अनुसार पानी डालकर इसका पेस्ट तैयार कर लिया है। अब हम इसे एक बाउल में ट्रांसफर कर लेंगे। अब इसमें थोड़ी सी हल्दी पाउडर डालेंगे कलर के लिए और नमक स्वाद के अनुसार डालेंगे। अब इसमें 1/2 कटोरी दही डाल देंगे। दही डालने के बाद चटनी को हम एकदम अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। जरूरत के अनुसार आप इसमें पानी डालकर गाढ़ी या पतली कर सकते हैं, लेकिन इसका थिकनेस एकदम परफेक्ट है। बहुत ही आसानी से बनने वाली सरसों की चटनी बनकर तैयार है। इसमें तड़का भी लगाने की जरूरत नहीं है। इस चटनी की खुशबू और स्वाद तो एकदम लाजवाब है। चटनी तो तैयार हो चुकी है। अब समोसे के लिए डो तैयार करेंगे। डो बनाने के लिए मैंने 200 ग्राम मैदा लिया है। नमक स्वाद के अनुसार डालेंगे। 1 चम्मच अजवाइन डालेंगे। मोयन के लिए 4 बड़े चम्मच घी लेंगे। उसे मेल्ट करके, आप घी के जगह रिफाइंड ऑयल का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। अब हम घी और मैदे को मसलते हुए एक दूसरे में अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। मैदे को बाइंड करके चेक करेंगे इसमें मोयन अच्छे से है या नहीं। इस तरह से बाइंड होने लगे तो मोयन एकदम परफेक्ट है। अब इसमें थोड़ी थोड़ी पानी ऐड करके इसका एकदम सख्त डो बनाकर तैयार करेंगे। देखिए, मैंने सख्त डो बनाकर तैयार कर लिया है। अभी ये फटी फटी लग रही है, इसे हम बाद में चिकना करेंगे। अभी इसे 20 मिनट के लिए ढककर रख देंगे। तब तक आलू की स्टफिंग तैयार करेंगे। इसके लिए एक पैन में 2 चम्मच तेल डालेंगे, 1/2 चम्मच जीरा, 1/2 चम्मच धनिया जिसे हमने क्रश कर लिया है, 3 से 4 बारीक कटी हुई हरी मिर्च डालकर अच्छे से मिलाते हुए थोड़ा सा सोटे कर लेंगे। अब इसमें अदरक लहसुन का पेस्ट डालेंगे। इसे भी हल्की सी सोटे कर लेंगे ताकि इसका कच्चापन निकल जाए। 30 से 40 सेकेंड तक भूनने के बाद इसमें 1/2 चम्मच लाल मिर्च पाउडर डालेंगे, थोड़ी सी हल्दी पाउडर और 1/2 कटोरी मटर डालेंगे जिसे हमने पहले बॉईल कर लिया है। सभी को अच्छी तरह से मिलाने के बाद इसमें आलू डालेंगे। 4 बड़े साइज का आलू लिया है हमने। इसे बॉईल करके मैश कर लेंगे। नमक स्वाद के अनुसार डालकर इसे अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। लो फ्लेम पे लगभग 4 से 5 मिनट तक आलू को पकने देंगे। साथ ही इसे लगातार चलाते हुए मैश भी करते जाएंगे। आलू को हम ज़्यादा मैश नहीं करेंगे, थोड़े थोड़े मोटे टुकड़े होने चाहिए, तभी स्टफिंग स्वादिष्ट लगेंगे। लगभग 5 मिनट हो चुके हैं, हमारा स्टफिंग तैयार है। अब हम फ्लेम ऑफ कर देंगे। इसके बाद हम 1 चम्मच चाट मसाला पाउडर डालेंगे और 2 चम्मच बारीक कटी हुई हरा धनिया डालकर एक बार फिर हम इसे अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। स्टफिंग तैयार है, अभी हम इसे ठंडा होने देंगे। 20 मिनट के बाद डो सेट हो चुकी है। अब हम इसे 2 से 3 मिनट के लिए अच्छी तरह से मसल मसल कर चिकना करेंगे। ध्यान रहे, यहाँ हम पानी का इस्तेमाल बिल्कुल नहीं करेंगे। डो तैयार है, अब हम इसकी लोई तोड़ लेंगे। लोई आप अपने हिसाब से लें, छोटी या बड़ी, क्योंकि एक लोई से 2 समोसे बनेंगे। मैं चपाती के साइज की लोई बना रही हूँ। इससे थोड़ी छोटे छोटे समोसे बनकर तैयार होंगे। अगर आप बड़ी साइज की समोसे बनाना चाहते हैं तो थोड़ी बड़ी लोई बनाएं। देखिए, मेरी एक लोई बन गई है। इसी तरह से हम दूसरी लोई भी बनाएंगे और इसी प्रोसेस से मैंने सारी लोई बनाकर तैयार कर लिया है। अब हम इसे बेलेंगे। एक लोई लेंगे और बेलन की सहायता से बिल्कुल चपाती की तरह पतली बेल लेंगे। इसे बेलने के लिए हमें सूखे मैदे की जरूरत नहीं पड़ेगी।
इसे हमें चपाती की तरह बिल्कुल गोल नहीं बेलनी है, हल्की सी हम अंडाकार का शेप देंगे। इसे हमने बेल लिया है, अब चाकू की मदद से इसे बीच से कट कर लेंगे और दो हिस्सों में डिवाइड कर लेंगे। इससे हमारी दो समोसे बनेंगे, देखिए इस तरह से। सेम प्रोसेस से हम दूसरी लोई भी बेल कर दिखाते हैं। देखिए बिल्कुल इस तरह से मैंने सारी लोई को बेल कर कट कर लिया है। अब हम इनमें आलू की स्टफिंग भरेंगे। इसके लिए इसके कटे हुए हिस्से पर हम पानी लगाएंगे और इसे ऊपर से मोड़ते हुए कोन की तरह बनाएंगे और इसे चिपका देंगे। इस भाग को हम बिल्कुल अच्छी तरह से दबाकर चिपकाएंगे, नहीं तो ये तलते वक्त खुल जाएगी। अंदर और बाहर से बिल्कुल अच्छी तरह से उंगलियों से दबा दबा कर इसे हम चिपका लेंगे। देखिए कोन जैसी बनकर तैयार है। अब हम इसमें आलू की स्टफिंग भरेंगे। इसमें जितनी जगह हो उस हिसाब से हम आलू भरेंगे। आलू भरने के बाद उंगलियों से हल्के से दबा दें। अब इसके ऊपरी हिस्से में हम फिर से पानी लगाएंगे और जॉइंट वाले हिस्से के ऑपोजिट साइड एक प्लेट बनाएंगे और इस प्लेट को पकड़कर जॉइंट वाले हिस्से से मिला देंगे और दोनों किनारों को अच्छी तरह से दबाकर चिपका देंगे। देखिए एक समोसा मैंने बना लिया है, कितनी सुंदर लग रही है। अब सेम प्रोसेस से दूसरी भी बनाकर मैं आपको दिखाती हूँ। ध्यान रहे समोसों को अच्छी तरह से चारों तरफ से चिपकानी है, नहीं तो तलते वक्त ये खुलने लगते हैं। और स्टफिंग भी हमें ज़्यादा नहीं भरनी है। इसी तरह से सारे समोसे बनाकर मैंने तैयार कर लिया है। अब हम इसे फ्राई करने के प्रोसेस में चलते हैं। पहले हम इतने समोसों को तलेंगे। तेल हल्की गर्म होनी चाहिए और हम एक एक करके समोसे डालते जाएंगे। एक बार में मैंने 5 समोसे तलने के लिए डाल दिया है। लगभग 8 से 10 मिनट के लिए मीडियम टू लो फ्लेम पे हम इसे फ्राई करेंगे। हाई फ्लेम पे समोसे को बिल्कुल न तलें, नहीं तो समोसे में बबल्स आ जाएंगे और देखने में समोसे बिल्कुल भी अच्छे नहीं दिखेंगे। देखिए हमारे समोसे कितने अच्छे लग रहे हैं, इसमें बिल्कुल भी बबल्स नहीं आए हैं। 8 से 10 मिनट हो चुके हैं, धीरे धीरे ये गोल्डन ब्राउन हो चुके हैं। अब हम इसे तेल से बाहर निकाल लेंगे। देखिए कितने स्वादिष्ट लग रहे हैं समोसे। सारे समोसों को मैंने तेल से बाहर निकाल लिया है और सेम प्रोसेस से हम सभी को तल लेंगे। देखिए मार्केट जैसी खास्ता समोसा बनकर तैयार है। इसे मैं गर्मा गर्म सरसों की चटनी के साथ सर्व कर रही हूँ। तो जब भी समोसा खाने का मन हो तो इस रेसिपी को जरूर ट्राई करें। तो आप भी बनाइए और पूरे परिवार के साथ खाइए। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। तो फिर मिलते हैं इसी तरह की यम्मी रेसिपी के साथ।